नमस्कार, मेरा नाम संजय दुबे है। मैं समसामयिक व ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो बनाता हूँ, साथ में रामचरितमानस के गायन पर भी कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ। चूंकि मेरी एक नर्सरी है, इसलिए कोई बहुत अच्छा पौधा या फिर कुछ बहुत अच्छा विकास दिखता किसी पौधे का, तो उसके भी वीडियो कभी कभी डाल देता हूँ मैं इसी के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रुद्राक्ष के पौधे के बारे में। यह इंदौर क्षेत्र है, केंद्रीय भारत का मालवा क्षेत्र। यह गर्मियों में काफ़ी गर्म रहता है, अक्टूबर में गर्मी रहती है, बारिश ठीक ठाक होती है करीब 35 से 40 इंच, और ठंड अच्छी पड़ती है। रुद्राक्ष का पौधा चूंकि यह उत्तराखंड और हिमालयन पौधा है, पर एक पौधा मैंने यहाँ लगाया था रुद्राक्ष का, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। यह उसका छोटा वाला है, ये मैंने बड़े पौधे से एयर लेयरिंग करके बनाया है। ये एक साल का हो गया है गमले में, और ये गमले में ही अब फूल देने वाला है। देखिए कलियां आ रही है इसमें, करीब 10-15 कलियां आ रही है। ये छोटा पौधा है, एयर लेयरिंग से बनाया है, करीब एक महीने में तैयार हुआ था। अब मैं आपको इसका बड़ा पौधा दिखाऊंगा जिसमें से ये मैंने तैयार किया। यह इसका बड़ा पौधा है, ये देखिए। अभी कलियां हैं इसमें, करीब 500 कलियां होंगी, और इसका फूल देखिए कितना सुंदर आता है। सारी कलियां जब फूल बन जाएंगी तब भी मैं वीडियो डालूंगा। अब हमें यह देखना है कि मालवा के क्षेत्र में यह कैसे पनपा और किन स्थितियों में पनप पाया। यह पौधा 4 साल पहले लगाया मैंने, इसको 4 साल होने को आए हैं, अभी पूरे 4 साल नहीं हुए हैं, और यह ऐसी स्थिति में लगाया है, मिट्टी में पानी ज्यादा रुकता नहीं है, और ये दूसरे पौधों के बीच में लगा हुआ है, अर्थात इसको धूप छा रहती है। सीधी धूप इसको करीब 2-3 घंटे की मिलती होगी, बाकी धूप छा रहती है इसको, इसकी जमीन में नमी बनी रहती है लगातार। ये देखिए एरिका पाम के बीच में लगा हुआ है, मेरे एरिका पाम में भी बीज आ रहे हैं। और इसको खाद के नाम पर ऐसा कुछ विशेष ध्यान रखा नहीं गया है, इसको थोड़ा सा गोबर का खाद दिया था मैंने। अब मुझे लग रहा है कि इसकी कलियों को टिकाने के लिए और फूल से लेकर रुद्राक्ष बनने तक के लिए इसे काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि पेड़ छोटा ही है ये और कलियां बहुत सारी हैं, काफ़ी ऊर्जा और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए उस तरह के तत्व मैं दूंगा इसको, गोबर खाद, नीम खली, कुछ NPK, फिर कुछ अंतराल से सरसों खली, और फिर रॉक फास्फेट, इस तरह की चीज़ें दूंगा। तो उससे उम्मीद है कि इसको अच्छी शक्ति मिलेगी और ये रुद्राक्ष अच्छे बनेंगे। तो ये जब सारे फूल खिल जाएंगे तो इसकी अद्भुत छटा होगी, तब मैं फिर एक वीडियो अपडेट आपको दूंगा। नमस्कार।